हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। टारगेट एट GOV जॉब्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 14.1, जिसका नाम है रचनाएं। तो दोस्तों, रचनाओं का अगला सवाल है। एक रेखाखंड AB जिसकी लंबाई है 8.3 सेमी लंबाई का बनाइए, यानी एक रेखाखंड 8.3 सेमी का बनाइए। रेखाखंड AB पर कोई एक बिंदु C ऐसा ज्ञात कीजिए कि AC 1/3 AB इसे सत्यापित भी कीजिए। तो देखो, हमारे पास सबसे पहले ये सवाल है कि एक रेखाखंड बनाना AB, एक रेखाखंड बनाना AB। तो ये AB दे रखा है 8.3 सेमी का, तो ये यहाँ पर हो गया 8.3 सेमी का। दोस्तों, इसका नाम लिखा AB, इसका नाम है A और B। इसके बीच में कोई एक ऐसा बिंदु है जिसे हमें C लिखना है, और बिंदु C लिखना है, और उसके बाद में AC की लंबाई 1/3 AB में बांटना है। तो देखो, सबसे पहले से बांटते हैं कि हमें सवाल में दे रखा है AB बराबर 8.3 सेमी, 8.3 सेमी। AC हमें सवाल में दे रखा है 1/3 AB, AB। तो अब हमें ज्ञात करना, मान लीजिए यहाँ पर है बिंदु C, तो हमें AC यानी AC की लंबाई दे रखी है, हमें ज्ञात करनी है CB की लंबाई। तो सी बी की ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, बी सी बराबर ए बी, ए बी, ए बी रेखाखंड की पूरी लंबाई है 8.3, इसमें से हम ए सी घटा देंगे तो सी बी की लंबाई आ जाएगी। तो ए सी, तो बी सी बराबर ए बी का ए बी माइनस ए सी की लंबाई हमें दे रखी है 1/3 ए बी। बी सी बराबर इन दोनों का लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम आएगा हमारा 3। तो बी सी बराबर ए बी माइनस 1/3 ए बी। बी सी ज्ञात करने के लिए ए बी इसके बट्टे 1 लगा लेते हैं, इन दोनों का लघुत्तम लिया 3 आया। 1 का भाग इसमें देंगे, ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 3 AB माइनस इसमें इसका भाग देंगे तो ये हो गया 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 AB। तो BC बराबर 3 में से 1 हटाएंगे 2 AB बटा 3, 2 AB बटा 3, ये हमारा BC का माप आ गया। अब यहाँ पर है ना ए सी अनुपात बी सी में हमें ज्ञात करना है, तो ए सी का हमें दे रखा है 1/3, 1/3 ए बी। अनुपात बी सी का हमने ज्ञात किया है 2 AB बटा 3, तो ए बी से ए बी कट गया, 3 से 3 कट गया, बच गया 1/2, 1/2। तो अब हमें इस रेखाखंड ए बी को 1/2 में बांटना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 8.3 सेमी का जो सवाल में दे रखा है, 8.3 सेमी का एक रेखाखंड खींचेंगे। 8.3 सेमी का रेखाखंड बनाया ए बी, ए बी बनाया। अब इसे हमें 1/2 में बांटना है, तो 1+2 = 3, 3 = 3 ज्यों पर हमें कोण काटने, उससे पहले हमें बिंदु ए पर कोई भी एक न्यून कोण बनाना है। तो बिंदु ए पर मैंने कोई भी एक न्यून कोण बना रहा हूं, ये मैंने बिंदु ए पर कोई भी एक न्यून कोण बनाया, ये न्यून कोण बना दिया। अब बिंदु ए से प्रकार में कोई भी बराबर त्रिज्या वाले 3 चाप काटने, क्योंकि रेखाखंड ए बी को 1 और 2 में बांटना है। इन
रेखाखंड ए बी को एक अनुपात दो में बांटना है, तो 1 + 2 = 3, यानी बिंदु ए से किरण ए सी पर ए एक्स पर हमें एक प्रकार की सहायता से कोई भी तीन चाप बराबर बराबर काटने। तो यहाँ से देखो, मैंने तीन चाप काट रहा हूँ, 1, 2 और ये तीन, ये तीन चाप मैंने काट दिए, तीन चाप मैंने काट दिए। अब यहाँ पे बिंदु लिख लिया हमने A1, A2 और A3, ये रेखा आगे तक है, यहाँ पर x है। अब हमें A3 और B को स्केल की सहायता से मिला दिया, स्केल की सहायता से मिला दिया, फिर प्रकार में बराबर त्रिज्या का कोई भी कोण हमें यहाँ से काटना है। तो ये हमने इस प्रकार से एक प्रकार में चाप चाप लगाया इस प्रकार से, और वही हमें A1 से लगाना है, लगा दिया। उसके बाद में हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी प्रकार में नापेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो यहाँ पर मैंने चाप काट दिया, यही दूरी यहाँ से काटनी है, ये भी काट दी। अब हमें A1 और जो कटान बिंदु आया है यहाँ पर, इसको मिला दिया, तो ये बिंदु हमारा C आया, ये बिंदु हमारा C आया, यानी इस रेखाखंड में, ए बी रेखाखंड में ये एक भाग का और सी भी दो भाग का आ गया। इसकी माप ज्ञात करनी है, इसे स्थापित भी सत्यापित भी करना है। तो देखो, इसकी रचना ही मैंने पहले सवाल में करना सिखा दी थी, कि जिस जिस प्रकार हम डायग्राम बनाते, चित्र बनाते, उन्हीं से उसी के अनुसार हम रचना करते हैं। जैसे सर्वप्रथम रेखाखंड ए बी 8.3 सेमी का खींचा, बिंदु ए पर कोई भी एक न्यून कोण बनाया, जिसे हमने नाम दिया किरण ए एक्स, नाम दिया किरण ए एक्स, फिर बिंदु ए पर प्रकार की सहायता से कोई भी 1 + 2 = 3 बराबर बराबर त्रिज्या वाले A1, A2, A3 चाप काटे, A3 और B को मिलाया, फिर ये चाप काटा, फिर ये चाप काटा, फिर इस प्रकार हमें बिंदु C आया। यानी अब रेखा BA3 समांतर है CA1 के, ये रेखा BA3 और A1 AC ये दोनों एक दूसरे की समांतर है। अब ये हमें सत्यापित करना है, यानी सत्यापन करना है। तो देखो, सत्यापन करने के लिए हम क्या करेंगे, सत्यापन हमें सवाल में दे रखा है, त्रिभुज ABA3, त्रिभुज ABA3 हमें दे रखा है, तो इसमें ये दोनों बिंदु समांतर एक दूसरे के, यानी CA1 समांतर है BA3 के। अब AC बटा CB बटा CB बराबर है A1 बटा A3, CA ये AC और ये CB ये इन दोनों के समांतर है, A1 और A3 के समांतर है। अब इसको हम उल्टा लिखेंगे, CB बट्टा AC बराबर A1 A3, ये ऊपर और ये नीचे चली जाएगी A A1, इन दोनों को हमने एक एक प्लस में लिया, CB बट्टा AC+1 बराबर A1 A3 बटा A A1+1, इनका हमने लघुत्तम लिया, फिर इसका लघुत्तम आया AC, इसका लघुत्तम आया AA1, इसका भाग इसमें दिया, ऊपर वाली संख्या बच गई CB+, इसमें दिया तो ये आ गया AC, यहां पर हो गया A1 A3+ A A1
A1। तो देखो यहाँ पर CB प्लस AC, यानी इन दोनों को जोड़कर हम रेखाखंड AB लिख सकते हैं। तो AB बटा AC बराबर A1 A3, A1 इन दोनों को जोड़कर हम लिख सकते हैं A A3 बटा A A1 A1। अब इसका माप A A3 का माप है 3। देखो यहाँ पर A से लेकर A3 तक का माप है 3 चाप में है और A A1 का चाप 1 है, तो ये माप इसका भी हो सकता है। तो AB बटा AC बराबर 3 बटा 1, इसको वज्र गुणा कर देंगे तो हो जाएगा, इसको इससे गुणा करेंगे 3AC बराबर A1 AB 1 AB। तो AC बराबर 1 बटा, ये 3 में, ये बटे में आ जाएगा 3AB। तो हमें सवाल के अनुसार AC बराबर 1/3 AB हमें ये स्थापित करना था, सत्यापित करना। दोस्तों ये हमारा सवाल है, ये इस प्रकार कंप्लीट हुआ है सर। तो दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।